साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और मुझे खुशी होती है कि जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैं अपनी बात भी करती हूँ, मुझे किसी की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मेरा वजन काफी हद तक यानी कि 90 किलो तक मेरा वजन बढ़ गया था, ठीक है। तो मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा शरबत इस्तेमाल किया, आज मैं वो भी आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए तोहफा है, ठीक है। हम बैठ के मतलब कि अक्सर दफा ऐसा होता है क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में हम बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा वजन जो है हमारा बढ़ता जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरम बहुत जल्दी से आप इसको नोट कर लें और आपको पसंद आएगा। हमने मेरी पूरी कोशिश होती है गाजरों का जूस, मैं उसके अंदर एक माल्टा डाल के, गाजरों का जूस एक माल्टा। अगर सर्दियों में माल्टे तो आराम से मिल जाएंगे लेकिन गर्मियों में आपको नहीं मिलेंगे, तो गर्मियों में आपने क्या करना है, बाजार से लीमू ले आना है, ठीक है। उसका रस आपने निकाला, अगर लीमू भी ना मिले आपको बाजार से तो आप एक ना एप्पल विंगर एसिड आपको वहां से मिल जाएगा, किसी भी दुकान से वहां से आप ले लें। ये सेब का सिरका होता है, आपको अगर वो भी ना मिले तो आपने क्या करना है, देसी सेब ला के अपने घर में रख लें, उन सेबों को एक मर्तबान में काट कर एक मर्तबान में डालें और उस मर्तबान में फुल पानी भर दें, ये आपका एप्पल विंगर एसिड हो जाएगा। 10 से 15 दिन आप उसको रखी रखो और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका रस निकलेगा वो एप्पल विंगर एसिड होगा, यानी कि सेब का सिरका हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान टोटका है, जो भी आपको पसंद है, बस आपने क्या करना है, गाजर का जूस निकालें वो आप पी लें। अगर आप गाजर का जूस नहीं पीते तो जो आपको मैंने सिरका बनाना बताया है सेब का, तो वो आपने क्या करना है, बस आपने सेब के अंदर से पानी जो आप डालते रहो और वो पानी आप निकालते रहो। जैसा कि अगर आपने 10 से 15 दिन हो गए हैं सेब को डाले हुए, तो आपने उसमें से अगर आपने 4 किलो सेब डाले थे तो 4 किलो सेब का काफी सारा एसिड बन जाएगा, यानी कि सिरका बन जाएगा, वो आपने निकाल लेना है। आपने वो निकाल कर साइड पे अलग जार में रख लो, फ्रिज में रख लो, वो चाहे फ्रिज में रख लो, वो आपका तैयार है। बस आपने जो मैं आपको जूस कह रही हूँ ना, पानी मिला के बस वो पीते रहे, यकीन माने इतनी चर्बी कटती है ना, इतनी चर्बी। मैंने तो घर में, मुझे बाजार की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अपने घर में एप्पल विंगर एसिड जो सा है खुद सेब का सिरका खुद बना के रखा हुआ, तो वो मैं बना लेती हूँ, फिर उसी के अंदर पानी एक दफा डाल के खूब दफा बना लो, ठीक है। बहुत प्यारा सेब का बनता है और ऐसे लगता है जैसे हम सेब का जूस पी रहे हैं, और वो थोड़ा सा खट्टा होता है सेब का जूस, इतनी चर्बी उतारता है जिस्म की आप यकीन माने आपने कभी नहीं टोटका सुनाऊंगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर जारा, उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। तो मैं हूँ डॉक्टर जारा, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुँच जाए, और इस बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।